अपनी कॉपी देखेंगे तो पिछले क्लास में इसी पे बंद किया था कि रिएक्शन ऑफ ईथर पढ़ रहे थे और हमने आखिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर सीख रहा था। उस ईथर के बारे में आज हम नया पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ ईथर विद कॉन्केजेक्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड। किसका रिएक्शन करा रहे हैं? ईथर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एचएक्स के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड समझ रहे हैं, गाढ़ा एचएक्स मतलब ज्यादा मात्रा में एचएक्स होगा, पानी की मात्रा बहुत कम होगी। लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड में लिख दिया हूं तो मत भूलो कि इसमें पानी भी रहा होगा लेकिन मात्रा कम रहा होगा। सोलवेंट क्या चीज का होगा? पानी का, वाटर का होगा। एक्स क्या ले रहे हैं आप? एक्स जो मेनली लिया जाता है आयोडीन और ब्रोमीन लिया जाता है। तुरंत हम इसी बात बिल्कुल समझ लेंगे कि आखिर क्यों आयोडीन और ब्रोमीन। क्या सर अगर हम आई की जगह पे क्लोरीन ले लें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा? होगा लेकिन बहुत रेट स्लो हो जाएगा, इतना रेट स्लो हो जाएगा ना कि मतलब कि उसको मजा नहीं आएगा, रिएक्शन में हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। अच्छे बहुत स्लो वाले रिएक्शन भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत फास्ट रिएक्शन भी हमको फायदा नहीं देते। हाँ, हम हमारे लिए फायदे कैसे, मॉडरेट रेट के रिएक्शन जो होते हैं वही हमारे यूज के होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मॉडरेट रेट मिलता है या तो आई से मिलेगा बीआर से मिलेगा, फास्ट तो किसी से नहीं मिलेगा। हाँ सर, अगर आप फ्लोरीन ले लोगे या फिर क्लोरीन ले लोगे तो ये रिएक्शन काफी स्लो हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया जाता। जनरली क्या लिया जाता है, या तो एच आई लेंगे नहीं तो एच बी आर लेंगे। हाँ, हम लॉजिक जानेंगे कि आखिर आई आई या बी आर क्यों लेंगे, तुरंत यहाँ पे आ जाएगा वो लॉजिक। तो हम ईथर ले रखे हैं। ईथर क्या है सर? ईथर में ये O18, यहाँ पे जो ईथर में ऑक्सीजन है O18 है, ये क्या इथेनिक है? और इसमें जो ऑक्सीजन यूज हुआ है वो 18 ऑक्सीजन यूज हुआ है ऑक्सीजन, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्क HI के साथ। ठीक है, हमने ये लिमिटेड दे रखा है, यहाँ पे एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा देखेंगे। लेकिन अभी हम लिमिटेड ले रखे हैं। लिमिटेड का क्या मतलब होता है? बस हम इसका एक ही मोल यूज करेंगे ना। जनरली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिटेड, फिजिकल केमिस्ट्री में लिमिटेड का कैलकुलेशन करना पड़ता है, वहां पे ढेर सारे मोल हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के दरमियान लिमिटेड ले रखा है तो आपको इतना कहने की मतलब कि वो आपसे ये बता देना चाह रहा है कि हम सिर्फ ये हमारे पास ढेर सारे होंगे लेकिन ये हम सिर्फ एक ही मोल लेने के लिए जा रहे हैं। मतलब इसके इसका रिएक्शन इसका एक मोल के लिए एक मोल के साथ कराना है, इस ईथर का रिएक्शन एक मोल के साथ कराना है। चलो सर लिखते हैं, हमको नहीं पता कि क्या बनेगा लेकिन हम बिल्कुल मैकेनिज्म जानते हैं और मैकेनिज्म के सामने पूछ जाएंगे कि क्या बनेगा। तो सर ये हमारा इथर है, हाँ है ना? हाँ सर। और कंटेनर में है क्या? एक कंटेनर में हमने इथर में रखा और HX हाइड्रोजन हैलाइड डाल दिया, और हाइड्रोजन हैलाइड में जो एक्स लिए रखे है वह तो आयोडीन है बी आर है, तो चलो मैं HI ले लेता हूँ, लोगों ने HI ले लिया। तो आप जानते हो ना कि हाइड्रोजन और आयोडीन में H पे डेल्टा प्लस होगा और I पे डेल्टा माइनस होगा। अब क्या आपको लग रहा है कि क्या रिएक्शंस होने के लिए स्कोप दिखे? यहाँ पे कोई कोई रिएक्शन हो सकता है? अरे रिएक्शन होने के लिए चाहिए क्या, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट वाले साइड पे इलेक्ट्रॉन देंगे और इसी इलेक्ट्रॉन की लेन देन से रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? बिल्कुल। एच के पास हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये ऑक्सीजन ने दिया हाइड्रोजन ने दिया, और लेन देन में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ऐसा नहीं कि दे दिया, दान नहीं कर रहा है वो, माने दे कर और बोलेगा आओ मेरे साथ काम करो, तो ये ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये आगे वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूट सकता है, मतलब बेबी ग्रुप में बाहर निकल देगा ये आई माइनस बेसिक। अब चलो सर इसका परिणाम लिखते हैं। तो ये कार्बन पे कोई बदलाव नहीं हुआ, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसमें प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया, और ये ऑक्सीजन 18 वाला है वो दिखा, वो 18 लिख के दिखाया गया है कि 18 वाला ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज दिया, तो क्या हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बन गया और इधर दो कार्बन एडिटेड है, क्या निकला बाहर, आई माइनस बाहर निकल गया। अब चलो यहाँ पे अच्छा पॉइंट है समझने के, अब आई माइनस ये क्या है, आई माइनस क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये किसी को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देना बोले तो न्यूक्लियोफाइल का होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन देना, अगर एच प्लस को देता तो बेस होता, अगर एच प्लस के अलावा किसी और को दो तो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो चलो मैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ये एच प्लस के अलावा किसी और को भी दे सकता है, दे सकता है बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल। अब आ जाओ यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा है एल्कोहल या गुड लिविंग ग्रुप, यहां से ये निकल सकता है मिथाइल एल्कोहल, या इस ये बॉन्ड टूट सकता है तो इथाइल एल्कोहल, मतलब कि गुड लिविंग ग्रुप भी है हमारे पास, लिविंग ग्रुप है। आर भी है सर, हाँ सर आर, आर बोले तो कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन भी है, हाँ सर आर भी है।
सोलवेंट में क्या क्या सर कंसंट्रेटेड बोले तो वाटर कंसंट्रेटेड सब तभी तो आता है जब उसमें वाटर की मात्रा कुछ होगी ना, नहीं तो लिखते हैं हाइड्रोजन एचएक्स सूखा हाइड्रोजन हैलाइड, लेकिन ये तो कंसंट्रेटेड एचएक्स लिखा हुआ है मतलब वाटर सोलवेंट भी ले रखे हैं। और ये सारी चीजें आपको पता है क्या चीज करा देगा सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो SN1 हो सकता है नहीं तो SN2 हो सकता है। अब आप ही बताओ SN1 होगा या SN2 होगा, वो तो तय करेगा कंडीशन कैसा न्यूक्लियोफाइल है कैसा लिविंग ग्रुप है कैसा एल्काइल पार्ट है और कैसा सॉल्वेंट है यही तय करेगा। चलो सबसे पहली बात कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, तो न्यूक्लियोफाइल तो I- के बारे में बात कर लेते हैं जरा सा, I- आखिर कैसा न्यूक्लियोफाइल है। तो I- नेगेटिव चार्ज है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नेगेटिव चार्ज वाले गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो पहली दशा में तो ये नजर आया कि I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अरे सर आप भूल रहे हो क्या कि आयोडीन की साइज होती है बड़ी, उस पे चार्ज डिस्पर्स कर जाएगा फैल जाएगा, और चार्ज फैल जाएगा तो आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो इस पे चार्ज स्टेबल हो जाएगा। बोले तो ये निगेटिव अपने आप ये अपना निगेटिव किसी को देना नहीं चाहेगा, और नहीं चाहेगा तो बैड न्यूक्लियोफाइल। तो आयोडीन के पास दोनों रास्ता है, ये जरूरत पड़ने पे इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जरूरत पड़ने पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये तो दोनों तरफ जा सकता है SN1 और SN2। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल ज्यादा प्रीफर करता है SN1 करके, अगर ये I- वीक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा तो ये कोशिश करेगा SN1 कराने का, अगर I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा तो कोशिश करेगा SN2 कराने का। तो I- तो दोनों तरफ जा सकता है, SN1 भी जा सकता है SN2 भी जा सकता है, मतलब कि ये डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना। तो चलो सर इसके साथ वाले जो यूज हो रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, चलो यहां पे आ जाओ सर। लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो आप जरा बताना यहां से ये गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये कार्बन पे प्लस आएगा, ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा हमारे पास कैसा कार्बोकैटायन है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आप तुम ही बताओ 1 डिग्री में SN1 होता है SN2 होता है सर, SN1 कब होता है, SN1 का क्या मतलब होता है, SN1 में होता ये है कि पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाए तब न्यूक्लियोफाइल आए। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ SN1 में होता क्या है कि पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाए कार्बोकैटायन बन जाए अब उस कार्बोकैटायन पे अटैक कर जाए न्यूक्लियोफाइल है। SN2 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करेगा न्यूक्लियोफाइल आएगा, और ये दोनों काम साथ साथ होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करना चाहेगा उस चाहे लिविंग ग्रुप लीव करता रहेगा, साइमल्टेनियसली दोनों होता है। तो ये अगर पहले हम लीव करा देते हैं और कार्बोकैटायन बना देते हैं, मतलब कि SN1 के रास्ते अगर हम सोचते हैं तो जो बनता है हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन SN1 प्रीफर करता है, जिसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन बने वो SN1 होना नहीं चाहता है, और दोनों तरफ 1 डिग्री का अगर यहां से निकालो तभी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां से निकालो तभी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब साफ है कि यहां से SN1 नहीं होने जा रहा, ये SN1 के बिल्कुल खिलाफ है, और ये SN1 भी कर लेगा SN2 भी कर लेगा, और यह SN1 के बिल्कुल खिलाफ है, तो जब ये SN1 नहीं जा रहा होगा तो पक्की बात SN2 जा रहा होगा, और SN2 जाएगा तो ये भी SN2 हो जाएगा। तो मैंने ये तय कर लिया कि यहाँ पे जो पाथ फॉलो करेगा वो SN2 का ही पाथ फॉलो करेगा, हाँ या ना बोलो। तो मतलब कि ये हम गलत दिखा रहे थे, SN1 होगा ही नहीं। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों साथ साथ होता है। तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन पे प्लस ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप बन चुका होगा, तो ये अपने बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर भी डेल्टा प्लस और यहां पर भी डेल्टा प्लस, सर दो दो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाली साइट है, ये तो I- न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट साइट है, किस पे अटैक करेगा, तो बेशक ये तो यहीं देख के अटैक करेगा कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो आप बताओ कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, प्लस यहां पे ही बन रहा है, प्लस यहां पे ही बन रहा है, लेकिन मत भूलो इस प्लस को ये कार्बन प्लस आई देकर के कम कर रहा होगा, चार्ज की कमी को पूरा कर रहा होगा, मतलब यहां पे प्लस उतनी ज्यादा है नहीं, तो सबसे ज्यादा प्लस यहीं पे है। तो बेशक न्यूक्लियोफाइल जो है इसी कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये खुल लेगा बाहर, ठीक है। ये कौन सा पाथ फॉलो किया, SN2 न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का बाहर होना,
दोनों सात साल पूरा है, तो हमारा बन क्या गया सी एच थ्री आई प्लस सी सी ओ एच, वो कैसा एटी एल्कोहल बना और एल्गाइल हैलाइड बना। हमको एक ही मोल लेना था, लिमिटेड लिखा गया, कौन के चाहिए एक ही मोल लेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर हाइड्रोजन हैलाइड सॉरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल। अगर अगर हमको कौन केचाई एक्सेस में हो जाए सर, एक बात बताओ ना, ये भूल गए क्या बताना, आई और बी आर में क्यों लेंगे सीएल माइनस, अगर हम एच से सीएल लेंगे तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि हमसे प्रिफर नहीं करेंगे। तो कैसे कैसे क्या करें सर, कैसे पहले प्रूफ तो करो कि एचसीएल क्यों होगा। बच्चे अगर एचसीएल लेते हैं तो यहाँ पे लोन पे आके इस पे अटैक करता, यहाँ से सीएल माइनस बाहर निकलता। सबसे पहली बात कि सीएल माइनस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप में आता है सीएल माइनस, वहां पे निकलने में थोड़ा सा रिलक्टेंट करता है। चलो सर निकल जाता यहां से, मान लो कि निकल जाता सीएल माइनस निकल गया, अब ये सीएल माइनस आ चुका है, अब पोलर प्रोटिक सॉरी H2O ले रखे हैं क्या कॉन्क H6, तो क्या मतलब हुआ कि वहां पे H2O भी होगा, तो यहाँ पे भी कॉन्क HCl लेंगे, मतलब कि यहाँ पे H2O भी होगा। H2O कैसा है सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H+ दे सकता है, Cl- की साइज छोटी होती है आयोडीन और Br की तुलना में, साइज छोटी होगी तो यहाँ पे जो निगेटिव बनेगा इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, अब इसको डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी मतलब की H+ ज्यादा इसको सराउंड करेगा, और H+ ज्यादा सराउंड कर लेगा तो बताओ जी बच्चे ये जो Cl- है Cl का इलेक्ट्रॉन है वो किसी पे अटैक करने के लिए फ्री रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या ये अटैक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब इस ये Cl- की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो काफी डाउन हो जाएगी, काफी घट जाएगी, तो उस केस में ये होगा नहीं। और SN2 में न्यूक्लियोफाइल कैसा था, ये स्ट्रॉन्ग चाहिए, और जैसे ही हम Cl- लेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी घट जाएगी, उस केस में ये रिएक्शन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए हम Cl नहीं लेते हैं। ठीक है, जनरली क्या लेते हैं, या तो X की जगह पे I लेंगे, नहीं तो ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन या ब्रोमीन। अब चलो सर वो तो समझ गए कि HCl क्यों नहीं लेंगे, अगर HCl नहीं लिए तो HBr भी नहीं लेंगे सॉरी HHF भी नहीं लेंगे। अब आ जाओ इफ HI इज इन एक्सेस, अगर HI हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में हो तो क्या करेंगे। चलो पहले रिएक्शन तो एक ही मोल से शुरू होगा, ये मोल से रिएक्शन करके यहां तक पहुंचेगा, अब CH3I है, CH3I तो HI के साथ एल्काइल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सर हमारे पास एल्कोहल है और हमारे पास क्या है HI है, अरे सर ईथर वाले रिएक्शन कर गए थे, ईथर का लोन पेयर, तो क्या ये रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, होगा क्या सर, सेम कहानी सेम कहा, बिल्कुल कुछ नहीं बदल रहा, क्या बन गया इथाइल आयोडाइड प्लस H2O के साथ ऑक्सीजनेटिव चला गया। अगर तो यह सब बातों को एकदम फिट करो दिमाग में, अगर ईथर का रिएक्शन हम एल्काइन सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे, तो अगर लिमिटेड हाइड्रोजन हैलाइड लिमिटेड में रखेंगे तो एक मोल एल्काइल आयोडाइड बनेगा, एक मोल एल्काइल हैलाइड या एल्काइल आयोडाइड बनेगा और एक मोल एल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर हम HI को एक्सेस में कर देंगे तो क्या होगा, दो मोल एल्काइल हैलाइड बनेगा, दो मोल एल्काइल हैलाइड। अगर इथर का रिएक्शन हम एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे, अगर इथर का रिएक्शन हम HX के साथ कराएंगे और HX एक्सेस में ले लेंगे तो हमारे पास दो मोल एल्काइल हैलाइड बनेंगे। अगर इथर का रिएक्शन हम HX के साथ कराएंगे और HX लिमिटेड में लेंगे तो हमारे पास एक मोल एल्काइल हैलाइड और एक मोल एल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।